नमस्कार दोस्तों जो हमने मिशन सीरीज स्टार्ट की है उसका ये सेकंड लेक्चर है ठीक है जो रिसेंट एग्ज़ाम एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है सात तारीख से उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है इसमें हमने मिक्स एम और स्पेशली करंट अफेयर को भी लेके चल रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है जो करंट अफेयर है वो एग्ज़ाम आप पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ठीक है और हम देखते हैं इस क्वेश्चन जो भी हैं एन सी आर ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द फाउंडर ऑफ हरियंका डायनेस्टी ठीक है हरियंका डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे फर्स्ट ऑप्शन अजाज शत्रु हर्षवर्धन बिम्बी या फिर गनानंद ये थे हमारे बिम्बी सरा ऑप्शन सी इज करेक्ट सेकंड क्वेश्चन है हमारा द रेवोल्यूशनरी लाइक असफ कुला खान चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह ए राजेंद्र लहरी ये कौन से केस से ठीक है कौन से केस से रि, रिलेटेड थे फ्रेंड्स ये जो है ना ये हमने स्पेशली तभी लिया है क्योंकि अभी रिसेंट ये न्यूज़ में था ठीक है ये रिसेंट अभी न्यूज़ में है तो ये किससे रिलेटेड है ये कारकोरी केस से ठीक है कारकोरी केस से अब क्वेश्चन में ऑप्शन दिए थे हमें कारकोरी केस एटी फिफ्टी सेवन का रिवॉल्व चोरी चोरा केस या फिर जल्लिया वाला बाग तो ये जो सारे किससे रिलेटेड है 1925 का कारकोरी केस ठीक है जिसमें उन्होंने ट्रेन को लूटना था उससे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो राम प्रसाद बिस्मिल ने उसको फाउंड किया था अब इससे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इस केस के रिलेटेड कौन कौन से लीडर थे तो ये इसको ऐसे रट्टा मार के जाना क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है अभी असफुल्ला खान चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह राजेंद्र लहरी एट्टीन फिफ्टी सेवन का रिवोल्ट आपको पता है जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस चोरी चरा केस ये नाइन्टीन ट्वेंटी टू में होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जब बंद कर दिया था इसकी वजह से जलियावाला बाग नाइनटीन नाइन्टीन तेरह अप्रैल ठीक है थर्ड क्वेश्चन है हमारा द मोल पाल रेवलियन इन नाइनटीन इन मालावार वाज मुस्लिम पीज एंड रेवलियन अगेंस्ट ठीक है ये जो रेविलियन हुआ था ये मुस्लिम पीज एंड था पर किसके खिलाफ़ ये पूछ रहे हैं किसके खिलाफ हुआ था मुस्लिम लैंड होल्डर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ या फिर नॉन ट्राइबल आउटसाइडर या फिर हिंदू लैंड होल्डर ये हुआ था हिंदू लैंड होल्डर आपने जे के प्रीवियस ईयर के एग्जाम देखे होंगे स्पेशली डेट पूछते हैं कि कब हुआ था ये नाइनटीन में कहा हुआ था मालावार केरला में ठीक है तो ये किसने किया था एम से मोलपा और एम से मुस्लिम किसानों ने विरोध किया था किसके खिलाफ हिंदू लैंड होल्डर ऑप्शन डी इज जो रोलर एक्ट है वो कब पास हुआ वेरी इंपॉर्टेंट रोलर एक्ट कब पास हुआ था 1919 में ठीक है इसको ब्लैक ब्लैक एक्ट किसने कहा था महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था खैड़ा सत्याग्रह कहा गुजरात में कब नाइनटीन एटी किसकी स्पोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट किसकी स्पोर्ट के लिए ये पूछ रहे हैं यहाँ पे पीजन की स्पोर्ट के लिए ठीक है ऑप्शन सी इज पीजन अब यहां से क्वेश्चन देखो कैसे बन सकता है कब हुआ था ठीक है खैरा सत्या सत्याग्रह कब हुआ था 1918 में कहाँ हुआ था गुजरात में हुआ था किसके खिलाफ किसकी स्पोर्ट में था पीजेंट की स्पोर्ट में था ठीक है ऑप्शन सी इज नेक्स्ट क्वेश्चन है दो ऐसे ग्रेट मुगल के बारे में बताओ जिन्होंने अपनी मेमोरी खुद लिखी है मतलब अपने अपनी बायोग्राफी लिखी है एक है बाबर हमायूँ हमायू, हमायू जहांगीर बाबर जहांगीर या जहांगीर शाहजहाँ ठीक है ये थे बाबर और जहांगीर वेरी इंपॉर्टेंट बाबर नामा वट वाज द मेजर कास्ट ठीक है क्या मेजर कारण था आ, सिपाहियों के बीच में ठीक है सिपाहियों के बीच में जब एटीन फिफ्टी सेवन का रिवॉल्ट होता है उसमें मिलिट्री कास्ट ठीक है इन्होंने पूछा है मिलिट्री कास्ट बहुत से कारण थे कुछ रिलीजियस तो सबसे इम्पोर्टेंट था पर हमें पूछ क्या रहे हैं इनका सिपाहियों का तो ये क्या था उनकी प्रमोशन और सैलरी नहीं दे रहे थे है ना यही था इनका कारण ऑप्शन बी इज करेक्ट फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन एनसीआर टी बेस्ड है ठीक है लाला लाजपत राय वाज ऑल्सो नोन एज लाला लाजपत राय को हम क्या बोलते हैं शेर ए बंगाल शेर ए महाराष्ट्र शेर ए कश्मीर शेर ए पंजाब ये आपको पता ही होंगे भगत सिंह इनको बहुत मानते थे शेर ए पंजाब ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है टू विच किंग बिलोंग लॉइन कैपिटल एट ए सारनाथ ठीक है जो लॉयन कैपिटल है सारनाथ वो कौन से किंग ठीक है कहाँ से किससे बिलोंग करता है ये अशोका से ऑप्शन बी इज़ करेक्ट अशोका नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है बंगा दर्शन बंगा दर्शन मंथली मैगजीन व स्टार्टेड एटी सेवेंटी टू फ्राम बहरमपुर बाय ठीक है एक बंगा दर्शन मैगजीन थी वो स्टार्ट की थी एट्टी सेवेंटी टू किसने स्टार्ट की थी पूछा है किसने स्टार्ट की थी ऑप्शन वन चंद्र विद्यासागर उत्तम उत्मकांत देसाई बनकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर नाना अनावधव ये किसने स्टार्ट की थी बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय ठीक है कौन सी बंगा दर्शन कब की थी एटी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस बाज पब्लिश इन द डेली बंदे मातरम इन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है डॉक्टर ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस पब्लिश इन डेली बंदे मातरम ठीक है बंदे मातरम में कब ये पब्लिश हुई थी 907 906 54 ठीक है ये 907 और ये पैसिव रेजिस्टेंस किसने की थी पब्लिश अरविंदो गोश ने वेरी इंपॉर्टेंट अरविंदो गोश ने ठीक है आपने केएस का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा था अरविंदो घोष बाद में कहाँ चले गए थे पुण्डुचेरी में आश्रम बना के रहने चले गए थे वो ठीक है अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में द लैंग्वेज ऑफ गौतम बुद्ध ठीक है गौतम बुद्ध की कौन सी लैंग्वेज थी कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे भोजपुरी मगादी पाली संस्कृत ठीक है तो कौन सी थी पाली और प्राकृत किसकी थी जैनिज्म की ऑप्शन सी इज़ करेक्ट अब ये कौन सा रिवॉल्यूशनरी कहा था फ्रीडम इज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर लाइफ एंड हिंदू रिलीजन अटेनमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम इज ए ऑब्जेक्टिव ऑफ़ अवर लाइफ एंड हिंदू रिलीजन अटेनमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव ये भी अरविंदो घोष ने कहा था ठीक है स्वराज इज़ माई बर्थ राइड ये कहा था तिलक जी ने ठीक है अब पूछ रहे हैं कि 1857 में रोहल खंड ठीक है रोहलखंड से कौन कमांडर था ये थे अहमदुल्ला ये मौलवी थे फैज़ाबाद के ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन वॉज सेटअप इन ठीक है जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी वो कब सेटअप हुई ऑप्शन एटीन सिक्सटी सिक्स सिक्स या एटीन एट्टी फाइव ठीक है एटीन सिक्सटी सिक्स किसने की थी दादा भाई नरोजी द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को किसने इस्टेब्लिश किया था दादा भाई नरोजी और दादा भाई नरोजी नरोजी को क्या बोलते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया अब ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कब अडॉप्ट किया 25 अक्टूबर 1948, 25 अक्टूबर 1949 या फिर 26 नवंबर 1948 या फिर 26 नवंबर 1949 वेरी इंपॉर्टेंट ये कब किया था अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने 26 नवंबर 1949 ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था ऑप्शन डी इज़ करेक्ट अब पूछ रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कब इफेक्ट आप सभी को पता है है ना 26 जनवरी 1950 ठीक है जिसको हम संविधान दिवस बोलते हैं और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है भीमराव अंबेडकर ठीक है ऑप्शन बीस नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आर्टिकल 44 है ठीक है आर्टिकल 44 है वो किससे रिलेटेड है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन प्रोविजन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ सिक्स ईयर या फिर स्टेट टू राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन या एग्रीकल्चर एनिमल ये डी का पार्ट है ठीक है डी का आर्टिकल है डी पार्ट फोर्थ में आता है और ये क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीज़न ठीक है ये फोर्टी फोर वी यूनिफॉर्म लग रहा है और ये भी यूनिफॉर्म है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दुधवा नेशनल पार्क ठीक है जो दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है असम यूपी मध्य प्रदेश या राजस्थान ठीक है ये है यूपी में ठीक है उत्तर प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो नॉर्थ मोस्ट रेंज है हिमालय की नॉर्थ मोस्ट रेंज को हम क्या बोलते हैं हिमाद्री लेसर हिमालय शिवालिक या फिर हिमाचल तो उसको हम बोलते हैं हिमाद्री ठीक है और जो साउथ मोस्ट है उसको शिवालिक ऐसे साउथ और ऐसे शिवालिक ऑप्शन ए कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ पे है ये आप सभी को पता है कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ है हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी इज हाइएस्ट पीक इन ईस्टर्न गार्ड। ईस्टर्न गार्ड की हाइएस्ट पीक कौन सी है महेंद्र गिरी ठीक है महेंद्र गिरी और अनाई मुंडी वेस्टर्न गार्ड की है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट जो बारचन हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं ठीक है कहाँ पे? आधा चांद। कहाँ पे पाए जाते हैं डेजर्ट प्लेन प्लेट्यू हिली रीजन ये डेजर्ट में ऑप्शन ए इज़ करेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा नहीं है कौन सा फैक्टर नहीं है जो इंडिया के रिलीफ फीचर को मतलब इंडिया के फीचर को क्रिएट करता है या फिर मॉडिफाई करता है ऑप्शन ए जियोलॉजिकल पॉपुलेशन डायनेस्टी बैदरिंग इरोजन ये हैं पापुलेशन डायनेस्टी ठीक है ऑप्शन बी इज करेक्ट एक लैंड मास जो तीनों साइड पानी से हो ठीक है तीनों साइड क्या हो पानी से हो उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम पेनन्सूला ठीक है पैनन्सूला ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट जो हमारी वेस्टर्न कोस्ट है ठीक है ये वेस्टर्न कोस्ट है इसका नॉर्थ पॉइंट कौन सा है ठीक है नॉर्थ पॉइंट है कोंकण कन्नड़ प्लेन मालावार कोरमंडल आप बताओ आप कमेंट में साउथ वाला कौन सा है ठीक है नॉर्थ वाला कौन सा है कोंकण जो गुजरात में आता है ऑप्शन ए इज करेक्ट लेक चिलिका लाई इन स्टेट ठीक है जो चिलिका लेक है वो कहाँ पे कहाँ पे है झारखंड तेलंग तेलंगाना उड़ीसा तमिलनाडु ये है उड़ीसा में ठीक है और ये फर्स्ट आंसर साइट में भी आती है और ये लार्जेस्ट मैरिन ब्रैकिश वाटर लेक भी है विच आइलैंड ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कोरल आइलैंड ठीक है कौन से आइलैंड को कोरल आइलैंड बोलते हैं ठीक है यहाँ पे आता ये? Option is correct. Uh, next question है ये लक्षद्वीप ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है ये साइंस का जो पानी डैम में स्टोर होता है ठीक है जो पानी होता है डैम में स्टोर वो कौन सी फॉर्म मतलब कौन सी फॉर्म में फ्लो करता है कौन सी एनर्जी होती है उसमें नो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर से नीचे गिरता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी हाइट बेस पे होती है पोजीशन बेस पे होती है ठीक है ऑप्शन बेस नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बॉडी फॉल फ्रीली टूअर्ड द अर्थ देन द टोटल एनर्जी ठीक है कोई भी बॉडी जैसे नीचे गिर रही है ठीक है सपोज वो नीचे गिर रही है तो उस टाइम उसकी एनर्जी क्या होगी कॉन्स्टेंट इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पहले इंक्रीज़ करेगी फिर डिक्रीज करेगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट अब पूछ रहे हैं पावर ऑफ ए वुमेन इज़ इक्वल टू मतलब कि पावर किसके बराबर होती है ठीक है पावर किसके बराबर होती है वर्क अपॉन टाइम वर्क अपॉन टाइम इन टू वर्क या वर्क इन टू टाइम या टाइम अपॉन वर्क ये होती है वर्क अपॉन टाइम ठीक है वर्क अपॉन टाइम कितने का टाइम में कितना काम किया है और इसका ऐसा यूनिट है वॉट ठीक है वॉट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हमने कोई स्प्रिंग है उसको जैसे ये स्प्रिंग है इसको कंप्रेस किया ठीक है इसको कंप्रेस किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इंक्रीज ज़ीरो या अनचेंज या फिर डिक्रीज ठीक है कंप्रेस कर रहे हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी कम ही होगी है ना ऑप्शन डी इज़ करेक्ट अब ये पूछ रहे हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए गर्ल इज़ मैक्सिमम ठीक है एक लड़की है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कब सबसे ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होती है जो पोजीशन बेस पे होती है या फिर हाइट बेस पे स्टैंडिंग स्लीपिंग ऑन द ग्राउंड सीटिंग ऑन द ग्राउंड सीटिंग ये स्टैंडिंग बेस पे होगी सबसे ज्यादा ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट अब पूछ रहे हैं कि इन द ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या है न्यूटन फोर्स वॉट मीटर पर सेकेंड यह है जूल ठीक है एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल फोर्स का क्या होता है न्यूटन पावर का वाट और मीटर पर सेकेंड स्पीड का तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट अब पूछ रहे हैं कि जो वर्क डन है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स ठीक है सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ जो लगती है ठीक है उसमें वर्क डन कितना होता है ज़ीरो ठीक है ऑप्शन डी इज़ जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है ये होता है किल्लो वॉट हॉर ठीक है किल्लो वॉट हॉर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट अब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब रॉकेट राइज होता है हवा में ठीक है बाय फोर्स जनरेट बाय फ्यूल तो वर्क डन बाय ठीक है जैसे रॉकेट ऊपर की तरफ गया फ्यूल की वजह से तो किस हिसाब का उसमें काम होगा ये पूछा है फ्यूल इज़ नेगेटिव वर्क एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज पॉजिटिव वर्क फ्यूल इज़ पॉजिटिव वर्क एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नेगेटिव वर्क या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आपको पता है फ्यूल पॉजिटिव ही काम करेगा तभी ऊपर जाएगा और जो ग्रेविटी होगी वो अपनी तरफ खींचेगी तो वो नेगेटिव करेगी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट अब है कौन सी बीमारी होती है जो वॉर्म से होती है ठीक है कौन सी डिजीज वॉर्म से होती है स्लीपिंग सिकनेस टेटनस रैबी फ्लैरिस ठीक है स्लीपिंग सिकनेस टेटनस रैबिस फ्लैरी कौन सी होती है फ्लैरिस किससे होती है वॉर्म से वॉर्म से कौन सी डिजीजेस होती है फ्लैरिस फ्लैरिस पैथोजन डिजीजेज आर ठीक है पैथोजन कौन सी डिजीज होती है कौन सी पैथोजन ठीक है ये होती है प्रोटोजोआ ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एच वायरस होता है अटैक वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ठीक है हमारी बॉडी के कौन से सेल को वो अटैक करता है वाइट ब्लड सेल रेड ब्लड सेल लॉन्ग सेल लीवर सेल आपको पता है अम्यून सिस्टम वीक हो जाता है उसमें तो वाइट ब्लड सेल इनमें से कौन सा जो है वो बैक्टीरिया है सेलमोनीलिया प्लास्मोडियम अरेबिस वायरस या ट्रेपी सोमा ये बैक्टीरिया वै, है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट अब है प्लास्मोडियम इज एन एग्जाम्पल प्लास्मोडियम क्या होता है वायरस प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वाम ये होता है प्रोटोजोआ ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मलेरिया होता है ठीक है मलेरिया इज काज ड्यू टू ठीक है मलेरिया किससे होता है प्रोटोजोआ एनोफिलिस मॉस्किटो ये दोनों से होता है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट द वी सी जी वैक्सीन इज गिवन फॉर द अम्यूनिटी अगेंस्ट मतलब कौन सी बीमारी में बी सी जी इंजेंशन इंजेक्शन वैक्सीन लगती है डेंडिस हैपीटाइट ट्यूब्रोगलॉसिस या मलेरिया ये टी वी में ठीक है टी वी कौन से बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होता है वायरस से होता है ये बैक्टीरिया उसे होता है कौन सा बैक्टीरिया माइक्रो बैक्टीरिया ऑप्शन सी इज़ करेक्ट लेरेंस इज आल्सो कॉल्ड ठीक है लेरेंस इज आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स रिस्पायरेटरी ऑर्गन म्यूजिक बॉक्स नन ऑफ द अबव ये क्या होता है ये वॉइस बॉक्स फेयरिंगस होता है गला लेयरेंस होता है वॉइस बॉक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज इनमें से कौन सी डिजीज है जो वायरल नहीं है डेंगू एड्स टाइफाइड इन्फ्लुएंजा ठीक है ये बाकी सारी ये बाकी सारी कौन सी वायरल है लेकिन टाइफाइड नहीं है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज़ नॉट कास्ड बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी नहीं होती है कौन सी नहीं होगी टाइफाइड एंथरक्स ट्यूब्रग्लॉसिस ये तीनों बैक्टीरिया से होती हैं ठीक है ऐसे पूछ सकते हैं बैक्टीरिया से कौन सी होती है टाइफाइड एंथरक्स टीबी ये बैक्टीरिया से होती है लेकिन मलेरिया बैक्टीरिया से नहीं होता है ठीक है मलेरिया नहीं होता है किसकी वजह से आखने होता है ठीक है सभी को होते हैं आंखने किसकी वजह से होते हैं ट्राइपोसोमा लैक्टोबेसल स्टैफोलोकस प्लास्मोडियम ठीक है तो ये स्टैफो लोकस ठीक है स्टेफो लोकस से क्या होते हैं एक्ने होते हैं पिंपल्स वगैरह होते हैं ऑप्शन सी इज नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग कैटेगरी ठीक है जो राइट टू वोट है वो फंडामेंटल राइट right है कॉन्स्टिट्यूशन एब्लिगेशन है फंडामेंटल ड्यूटी है या लीगल राइट right? ये क्या होते हैं लीगल राइट ठीक है कानूनी अधिकार है हमारा बोर्ड देना ऑप्शन डी इज करे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट बोरो फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कौन सा फीचर है जो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया हुआ है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये लिया है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये लिया है रूल ऑफ लिया है कॉन्ट लिस्ट नहीं लिया ये कहाँ से लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन सा लिया है तो ये भी पता होने चाहिए पार्लियामेंट्री कैबिनेट रूल ऑफ लॉ ये सारे हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हुए हैं जो कॉन्क्रेंट लिस्ट है वो कहाँ से ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन डी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच आउ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन क्या पूछा है क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंट एज गवर्नर ऑफ ए स्टेट ठीक है गवर्नर ऑफ स्टेट को अपॉइंटमेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन जैसे आपने गवर्नर बनना हो तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फर्स्ट ऑप्शन है शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये तो होना ही चाहिए शुड नॉट बी रेजिस्टेंट ऑफ ए स्टेट विच ही शी वर्क एज ए गवर्नर ये नहीं मैटर करता शी हैव शुड हैव कम्प्लीट ए थर्टी फाइव सही बात है ठीक है इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पे वन और थर्ड ये ठीक गवर्नर बनने के लिए थर्टी फाइव राष्ट्रपति बनने के लिए थर्टी फाइव उम्र चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए ट्वेंटी फाइव और राज्यसभा का तीस और पंचायत का बनने के लिए ट्वेंटी वन ठीक है गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है ये हमारे राष्ट्रपति ठीक है और इसको रिमूवल ये प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट राष्ट्रपति जब चाहे इसको हटा सकता है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच केस सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल इज ए इंट्रीगल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या पूछा है कि जो प्रियम्बल है वो इंट्रीगल पार्ट कौन से केस ने बोला था कौन से केस ने ये बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल प्रियम्बल क्या है आइडेंटिटी कार्ड ठीक है हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड किसने बोला था ये कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रीगल पार्ट है एस आर बुमाई केस केशवानंद भारतीय केस अशोक कुमार ठाकुर केस एम सी मेहता ये बोला था ए एस आर बुमाई केस और एल आई सी केस ने भी बोला था जो केशवानंद भारती केस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें बोला हुआ है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है उसको हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ए इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल आर्टिकल से क्वेश्चन है राष्ट्रपति हैज़ पार्डनिंग पावर प्रेजिडेंट के बाद जो पार्डनिंग पावर होती है क्षमा करने वाली पावर होती है वो कौन से आर्टिकल में दी है आर्टिकल सेवेंटी सेवेंटी टू सेवनटी फोर या फिर सेवेंटी थ्री ये सेवेंटी टू में दी हुई है वेरी इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति हमारे फिफ्टी टू आर्टिकल में मैंशन किए हैं फिफ्टी फोर में इसकी इलेक्शन आती है और सिक्सटी वन में इनकी इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को अच्छे से पढ़ के जाना यूनियन एग्जीक्यूटिव को नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अमंग द सेवन मेंबर ऑफ ए ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई थी उसके सात मेंबर थे लेकिन इसमें से कौन सा नहीं था अलादई कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी सैयद मोहम्मद सदुल्ला या फिर जीवे मवालकर जीवे मवालकर नहीं थे अब क्वेश्चन देखो कैसे निकलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी किसने बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था कॉन्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ठीक है कितने मेंबर थे सात मेंबर थे और इस कमेटी के चेयरमैन कौन थे भीम अंबेडकर जो फादर ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन भी है कौन मेंबर नहीं है जी वी और कौन थे कृष्णा मुंशी मोहम्मद सैदुल्ला ऑप्शन डी इज़ करेक्ट अब है जो डायनेमिक एडोक वायरलेस नेटवर्क कम अंडर ठीक है ये रिसेंट जो आ रहा है अभी फाइव जी उसके अंदर ऐसे भी बोल सकते हैं डी ए डब्ल्यू एन ठीक है फाइव जी में कौन सा नेटवर्क है डायनेमिक अडोक वायरलेस नेटवर्क ठीक है किस में है फाइव जी में वेरी इंपॉर्टेंट डायनेमिक अडोक वायरलेस नेट नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ बॉटनी फादर ऑफ बॉटनी किसको बोलते हैं हम थियो फ्रेटस को और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्विथ को फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टोटल को ऑप्शन सी इज करेक्ट अब वर्ड डज कंटेन रेड डाटा बुक जो रेड डाटा बुक होती है उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं एस्ट्रोलॉजी इन डेंजर स्पीश कम्युनिज्म फैक्ट या इन डेंजर फॉरेस्ट ये हम करते हैं इन डेंजर स्पीश की ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवनटी टू हैज़ बैन फॉलविंग एक्टिविटी इंडिया नेशनल वर्ड पी कॉक ठीक है क्या पूछा है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का उसमें क्या बंद कर दिया है ठीक है क्या बैन किया हुआ है जो हमारा नेशनल बर्ड है पीकॉक उसके रिलेटेड ठीक है नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा पीकॉक तो फर्स्ट किलिंग ऑफ पीकॉक सेकंड डोमेस्टिक ट्रेड ऑफ पीकॉक फैदर्स या फिर एक्सपोर्ट ऑफ़ पी के पीकॉक फादर फैदर मतलब उसके पर जो होते हैं ये डोमेस्टिक ट्रेड तो कर सकते हैं लेकिन एक्सपोर्ट नहीं कर सकते ऑप्शन वन और थर्ड ठीक है पीकॉक को मारना और उसके जो फैदर्स होते हैं उसको बाहर एक्सपोर्ट करना बैन है कौन से एक्ट में बोला है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन बायो इथेनॉल ठीक है जो बायो इथेनॉल फ्यूल है वो कहाँ से हम ऑर्गेजेट कर रहे हैं कहाँ से निकाल रहे हैं टैपिको कैस्ट्रोवीन कॉर्न तो ये तीनों से जिसमें स्पेशली सुगर ठीक है शुगर होगी और स्टोर्च होगा उसी के रॉ प्रोडक्ट प्रोडक्ट से उसी के रॉ मटेरियल से हम बायो इथेनॉल को बनाते हैं ठीक है ऑप्शन सारे करेक्ट ये करंट का क्वेश्चन है कि रिसेंट वेयर इज टैगोर सेंटर टैगोर सेंटर कहाँ बनाया है शिमला कोलकाता चेन्नई देहरादून ये शिमला में वहां पे क्या होगा ठीक है ऐसे पूछ सकते हैं टैगोर सेंटर जो शिमला में बनाया है उसमें हम किसकी -किस स्टडी करते हैं कल्चर और सिविलाइजेशन के वेरी इंपॉर्टेंट किसकी कल्चर सिविलाइजेशन की कहाँ बना है शिमला में ऑप्शन ए इज करेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट पीपल फॉलोइंग वर्ल्ड ट्रेडिशन ठीक है वर्ल्ड ट्रेडिशन कौन से स्टेट के लोग मानते हैं वेस्ट बंगाल गुजरात राजस्थान बिहार ये वेस्ट बंगाल और ये मिक्सचर होता इसमें. है इसमें रिलीजियस सेक्टर ये ठीक है ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशन लॉन्च ऑनलाइन ग्रीव्रांस रजिस्ट्रेशन सिस्टम नेम्ड ई सवादान क्या पूछा है कि कौन सा एजुकेशन सेक्टर इंस्टीट्यूशन है जिसने ऑनलाइन ग्रीवरांस रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसका नाम है ई समाधान समाधान लॉन्च किया है कौन है ये जू जी सी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ठीक है क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंट ऑनलाइन ग्रीवरांस रजिस्ट्रेशन जो यू ने लॉन्च किया है उस पोर्टल का क्या नाम है ई e समाधान ठीक है ई समाधान अब हम कोई भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं ई समाधान किसके रिलेटेड है एजुकेशन के रिलेटेड यू के रिलेटेड ऑप्शन बी इज़ करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर तेजस मार्क टू फाइटर जेट ठीक है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने तेजस मार्क टू फाइटर जेट बनाया है डी आर डी ओ विल हॉल डी एड ये हमारे इंडिया के लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि हमारे इंडिजीनियस सही है हॉल ने हॉल की फुल फॉर्म क्या है हिंदुस्तान एरोनेटिक लिमिटेड फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसकी क्या है हिंदुस्तान एरोटिक लिमिटेड ठीक है ऐसे पूछ सकते हैं जो तेजस मार्क टू है वो क्या है ठीक है तेजस मार्क टू क्या है वो वो एक फाइटर जेट है किसने इंडिजीनियसली है या बाहर से ये हिंदुस्तान लिमिटेड ने बनाया ऑप्शन सी इज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वट इज़ द नेम ऑफ़ मैस्कट फॉर द थर्टी सिक्स नेशनल गेम अहमदाबाद ठीक है क्या नाम है मैस्कट का क्या क्वेश्चन है मैस्कट का क्या नाम है जो नेशनल गेम अहमदाबाद में हुई थी कौन सी नंबर की थर्टी सिक्स और कहाँ हुई है नेशनल गेम अहमदाबाद गुजरात में तो इसका मैस्कट क्या है हमारा शेर शवाज विकास लियो ये है शबाज ठीक है किसने इनागोरेट किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ठीक है तो ऐसे हो सकते हैं नेशनल गेम्स कहाँ पे हुई थी ये अहमदाबाद गुजरात में हुई है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आई ऑन द सोलर सिस्टम इज़ ए टूल लॉन्च बाय अ कंट्री ठीक है आई ऑन द सोलर सिस्टम ये एक टूल है ये कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया लॉन्च किया हुआ है चाइना यूएसए ऑस्ट्रेलिया इज़राइल ये यूएसए ने ठीक है U.S.A. ने U.S.A. की जो तो स्पेस एजेंसी है नासा उसने इसको ब्राउजर बेस्ड ऐसे बोल सकते हैं ब्राउजर बेस्ड है या कोई और तो ये ब्राउजर बेस्ड है और U.S.A. ने लॉन्च किया uh, है ऑप्शन बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ इंडिया फर्स्टा ल्युक्फाइड नेचुरल गैस फ्यूल ग्रीन ट्रक ठीक है फ्यूल ग्रीन ट्रक कौन सी कंपनी ने इनविल किया है इंडिया में फर्स्ट फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस फ्यूल ग्रीन ट्रक ग्रीनको स्विच मोबिलिटी ब्लू एनर्जी लारेंस टुब्रो ये ब्लू एनर्जी ये एक स्टार्टअप है सिंगापुर का ठीक है स्टार्टअप है सिंगापुर का इसने किया हुआ है क्या इंडिया में फर्स्ट टाइम क्या इंडिया में फर्स्ट टाइम ल्यक्फाइड नेचुरल गैस फ्यूल ग्रीन ट्रक ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ये बोल सकते हैं कि कौन से बेस है ये सिंगापुर बेस अरविंद चित्रम्बन ये चित्रम्बन साउथ के लोग आएंगे तो इसमें आप ऐसे लगा लेना तुक्का भी मार देना कि ये चेस से ही रिलेटेड होते हैं ठीक है अभी ये न्यूज़ में चल रहे हैं तो ये कौन सी गेम से रिलेटेड है ये चेस से ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट अब एक स्पार्क इज़ अ स्टूडेंटशिप प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च इन द फील्ड ठीक है एक स्पार्क एक स्पार्क स्टूडेंटशिप प्रोग्राम है कौन सी फील्ड में लॉन्च किया है ये आर्किटेक्चर लिटरेचर आयुर्वेदा बायोलॉजी ये आयुर्वेदक में इसकी फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम आयुर्वेदिक रिसर्च किल ठीक है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम आयुर्वेदिक रिसर्च किल आयुर्वेदिक रिसर्च किल ठीक है ऐसे पूछ सकते हैं कि आयुर्वेदिक में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका नाम क्या है स्पार्क ठीक है स्पार्क की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम आयुर्वेदिक रिसर्च किल ऑप्शन सी इज़ करेक्ट एज ऑफ मार्च 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू वट इज़ द इंडिया एक्सटर्नल डेट एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डाटा ठीक है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब मार्च में जो डाटा निकाला था उसमें इंडिया का एक्सटर्नल डेट डेट कितना है यू एस टी यू एस ए डॉलर दो सौ बीस बिलियन चार सौ बीस बिलियन छः सौ बीस या फिर आठ सौ बीस ये था छः सौ बीस बिलियन ऑप्शन सी इज़ क्रैक्ट विच स्टेट हैज़ सेटअप एक्सपर्ट कमेटी ठीक है एक्सपर्ट कमेटी टू स्टडी ह्यूमन रेबीज डेथ ठीक है ह्यूमन रेबीज से डेथ हुई है तो कौन सी स्टेट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई थी कर्नाटका केरला असम त्रिपुरा तो ये केरला ऑप्शन बी इज़ करेक्ट कुछ बिहार इन वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर द फॉलविंग इंडस्ट्री ठीक है जो कुछ बिहार है वेस्ट बंगाल में वो कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है सिल्क इंडस्ट्री ऑप्शन बी इज़ करैक्ट ठीक है सिल्क इंडस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्ज डिपॉजिट नैचुरल यूरेनियम विच प्रोमिस टू वन वन ऑफ द टॉप ट्वेंटी वर्ल्ड रिजर्व हैव बिन फाउंड इन तमलापली बेल्ट विच आर द फॉलविंग स्टेट ऑफ इंडिया अब पूछा है कि सबसे ज़्यादा जो नेचुरल यूरेनियम है वो वहाँ पर होता है और वो वर्ल्ड के टॉप ट्वेंटी में भी आता है और तमलापली बेल्ट में फाउंड है कौन सी स्टेट है ये आंध्र प्रदेश ठीक है अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे निकल सकता है यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ है आंध्र प्रदेश में टॉप ट्वेंटी वर्ल्ड में ठीक है वर्ल्ड में टॉप ट्वेंटी में कौन सी स्टेट आती है यूरेनियम में आंध्र प्रदेश तमलापली तमलापली बेल्ट कहाँ पे है आंध्र प्रदेश ठीक है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट फॉर कॉटन कल्टिवेशन विच अमंग द फॉलविंग सॉइल इज कंसीडर कॉटन कल्टिवेशन के लिए कौन सी मिट्टी जरूरी होती है या आपको पता ही यह ब्लैक सॉइल ऑप्शन बी इज करेक्ट कौन से पोर्ड को हम बोलते हैं चाइल्ड ऑफ पार्टीशन ठीक है चाइल्ड ऑफ पार्टीशन पैरादीप कोलकाता कांडला हल्दिया तो ये कांडला ठीक कांडला पोर्ड को हम क्या बोलते हैं चाइल्ड ऑफ पार्टीशन सबसे बड़ा पोर्ड कौन सा है जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में मुंबई नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेटल हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ठीक है ये सिल्वर होता है ठीक है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल है सिल्वर लेकिन ये कॉस्टली होता है तो इसको हम यूज नहीं करते हैं सेकेंड नंबर पे कॉपर ऑप्शन डी इज करेक्ट वेयर इ यूरिया मैन्युफैक्चर यूरिया कहाँ पे बनता है यूरिया गाल ब्लैडर लीवर किडनी ब्लैडर लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है लीवर ऑप्शन बी इज प्लांट दैट ग्रो इन साल्ट वाटर जो साल्ट वाटर में प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हेलोफाइट्स हैलोफाइट्स ठीक है जो पानी में करते हैं हाइड्रोफाइट्स और जो डेजर्ट में करते हैं जीरो फाइट्स ठीक है ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑन विच डेट द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 हजार अठारह कम इंटू फोर्स ठीक है जो क्रिमिनल लॉ बना था वो कब फोर्स में आया अप्रैल ट्वेंटी वन टू थाउजेंड एटीन ऑप्शन ए इज विच आर्टिकल ऑफ़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर चिल्ड्रन चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन देने वाला आर्टिकल आर्टिकल फिफ्टीन ऑप्शन ए इज क्रैक इन विच सेक्शन ऑफ इंडिया पिनल कोड एट्टी सिक्सटी विच प्रोविज़न रिगार्डिंग एडल्ट्री ये बहुत न्यूज़ में रहा था तो ये कौन से सेक्शन है सेक्शन फोर नाइन सेवन ठीक है आप बताओ कि जो ट्रांसजेंडर वाली थी वो कौन से सेक्शन है ठीक है वो भी बड़ी न्यूज़ में थी Uh, जब हमें मलेरिया होता है तो सबसे ज़्यादा कौन सा आर्गन डिफेक्ट होता है अफेक्ट होता है ठीक है मलेरिया जो बैक्टीरिया से होती है डिजीज किडनी स्प्लिन हार्ट लंग्स तो स्प्लिन ऑप्शन बी इज़ करेक्ट केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं uh, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है और वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट जिसमें बाई बी, बी बी बेकिंग बी और बी ठीक है ऐसे भी लर्न कर सकते हो द स्काई अपेयर ब्लू ड्यू टू यह आप सभी को पता होगा स्कैटरिंग uh, ऑफ लाइट से जो आसमान होता है वो ब्लू होता है ऑप्शन सी जो ब्रोंज है वो किसका ऑलो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है कॉपर एंड टीन का कॉपर एंड टीन का ब्रॉन्ज ऑलो है ऑप्शन बी इज करेक्ट एल के मेन कंपोनेंट कौन से हैं एल जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें कौन कौन सी गैसेस आती है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ठीक है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन ऑप्शन ए इज करेक्ट जो ट्रिटी ऑफ चम्पानर है ये किसके बीच में साइन हुई थी कौन सी स्टेट हो मालवा एंड गुजरात ऑप्शन ए इज करेक्ट जो प्रतिहार डेनेस्टी थी उसके लास्ट रूलर कौन थे ठीक है उसके लास्ट रूलर कौन थे ये थे यशपाल ठीक है ऑप्शन सी इज करेक्ट यशपाल विस सिटी राजस्थान इज आल्सो नोन एज पैरिस ऑफ ईस्ट पैरिस ऑफ ईस्ट किसको बोलते हैं जोधपुर अलवेर उदयपुर जयपुर ठीक है राजस्थान की कैपिटल जयपुर और इसको हम पिंक सिटी भी बोलते हैं पैरिस ऑफ ईस्ट भी बोलते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है चाप चर कुट फेस्टिवल ठीक है ये फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं असम मिजोरम अरुणाचल प्रदेश सिक्किम ये मिज़ोरम में ऑप्शन बी इज़ करेक्ट चप जब, 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 जब चप चढ़ती है तभी मिज़ोरम मिजो होती है बारिश होती है रोते हैं बंदे देर आर नगारा द्राविड़ा, बरसा। ये कौन से ये किसकी फॉर्म है ये आपको पता है इंडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर की फॉर्म है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ठीक है आर्किटेक्चर की फॉर्म है मीरा ऑफ साउथ किसको बोलते हैं ये है पोइटिस अंडाल ठीक है पोइटिस अंडाल ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वी स्टेट गवर्नमेंट हैज़ री नेम्ड राजीव गांधी नेशनल पार्क एज औरंग नेशनल पार्क ठीक है राजीव गांधी नेशनल पार्क का औरंग नेशनल पार्क नाम ये कहां पे पड़ता है तो ये पड़ता है हमारा असम ऑप्शन सी इज करेक्ट हु अवार्ड हैज़ नेम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ठीक है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके क्या डाला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ठीक है जो राजीव गांधी नेशनल पार्क था उसका क्या नाम डाल दिया अब औरंग नेशनल पार्क कहां पे असम में ठीक है ऐसे हो सकते हैं क्वेश्चन ऑप्शन बी इज